there's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about Chapa. You get a Chapa. You get a Chapa. Everyone gets a Chapa. On October 2nd, the NIA raided 60 locations in Andhra Pradesh and Telangana to catch Maoists. Then on October 3rd, Delhi police raided, questioned and detained 46 journalists and activists associated with Newstick to catch anti-nationals. Then on October 4th, ED raided and arrested AAP MP Sanjay Singh to catch corrupt netas. Sara corruption to opposition nahi hai. Then on October 5th, as we shoot this show today, the IT department is raiding over 40 locations linked to a DMK MP. यार ऐसा करते हैं, let's just make it easy for this government. सब जेल चलते हैं, खुद बखुद, अपने आप, let's just all walk to jail. पुलिस खुद बता देगी कब बाहर निकलना है. Don't be over dramatic, just do your show, just do your job. ठीक है प्रभु, this is actually all we can do. Just do our job and hope it reaches some people at least. You see, we don't buy bots or fake likes on YouTube. We don't put any marketing money behind this video so that it pops up on your feed. We just depend on you guys for organic reach. आप देखो, आपको पसंद आया तो आप लाइक करो, शेयर करो, और भी लोगों को दिखाओ. So we will keep doing our job, but you also don't forget to do your job. Like this video, share and make it reach more and more people. मित्रों, please. मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा. मोदी जी की सुनो. देखो, हर हफ्ते हम आपको वेनम चोपड़ा, तिहार चौधरी, गुल्लू, ब्लैकबोर्ड सेना, अर्नब, नविका, इन सब की हरकतों के बारे में बहुत बताते हैं. इस सब के बीच देयर इज वन पर्सन हु इज फीलिंग अ लिटिल लेफ्ट आउट. मुझे गुस्सा आता है. रूबिका हैज नॉट फीचर्ड प्रॉपरली ऑन आवर शो फॉर सच अ लॉन्ग टाइम एंड आई थिंक नाउ शी इज ट्राइंग वेरी वेरी हार्ड टू गेट हर अटेंशन. ये क्या है? ये सैंडविच है, लेकिन ये दो साइड जो सैंडविच की नजर आ रही है लगती एकदम एक जैसी है, और इसके बीच में फंसा हुआ आपको मैं खीरा दिखा देती हूँ. ये है सत्ता पक्ष और ये है विपक्ष. ये देखिए सैंडविच, ये है रूबिका और ये है रूबिका का शो, और इसके बीच में आपको मिलेगी ढेर सारी पब्लिक इंटरेस्ट न्यूज. इसमें तो कुछ नहीं, मक्खन ही लगा देते यार जो मोदी जी पे लगता है रोज रोज. मैं एकदम आप लोगों के सामने क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं निष्पक्ष नहीं हूँ. कभी सैंडविच लेके आ जाती हैं रूबिका जी, कभी आ जाती हैं नोटों की गड्डी लेके. क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें लिफाफा डाला है? और अगर आपको लग रहा है कि लिफाफा डाला है, क्योंकि ये विजुअल आप जरा गौर से देखेंगे तो कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है. ये जो आपको ये जो इलाका दिख रहा है, ये 200 रुपए के नोट वाला इलाका है, लेकिन वो गड्डी है आप देखिए, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको पुश कर रहे हैं. क्या इन्वेस्टिगेशन है? अपेरेंटली फेक न्यूज चल रही थी कि पीएम मोदी ने मंदिर में एक लिफाफे में बस ₹21 दान किए. केवल 21 रुपए? ऐसे कैसे? तो रूबिका आ गई मैदान में पीएम को इस घिनौनी फेक न्यूज से बचाने के लिए. तो हमने सोचा कि फैक्ट चेक किया जाए. फैक्ट चेक किया जाए, धन्य है. ऐसी फैक्ट चेकिंग करिए देवी जी ने कि बस ऑल्ट न्यूज और बूम लाइव की दुकान बंद हो जाएगी. कब तक चलेगा यार ये तमाशा? सुनिए, ये तो यूं ही चलेगा. नाउ यू मे थिंक ऑल दिस इज मोदी भक्ति, व्हिच आई थिंक इट इज, बट आई आल्सो थिंक शी इज ट्राइंग टू लैंड अ स्पॉट ऑन टीवी न्यूज़ेस, एंड दिस वीक रूबिका हैज ट्रूली अर्नड इट. Remember our favorite line from Rubika? Why don't you get tired? आप थकते क्यों नहीं हैं? So this week, political analyst cum TMC proxy Tausif Khan gave Rubika a bitter reminder of her scintillating question. प्रधान मंत्री इतने busy personality है, वो किसी को interview देते नहीं. आप जब आपके previous channel में आप थी तो आपको मौका मिला था. सवाल किस तरह के उठाए गए? आपने सवाल किस तरह के पूछे? आपने पूछा कि आप थकते क्यों नहीं? Now instead of accepting it for what it was, मोदी भक्ति, रूबिका वेंट फुल ऑन डिफेंसिव. ये सवाल जो है वो मेरा नहीं है. आप जरा अपने घर से निकलिए, गांव खेड़े में जाइए. महिलाओं को ये लग रहा था कि ये पहली बार ऐसा कोई आदमी देखा है जो छुट्टी नहीं लेता है, जो घूमने के लिए बाहर नहीं जाता है, जिसको रैलियों के बाद फौरन किसी और देश जाकर छुट्टियां नहीं मनानी होती है. ये वो प्रधानमंत्री है जो थक ही नहीं रहा है. महिलाओं को ये लग रहा था कि पहली बार ऐसा कोई आदमी देखा है जो छुट्टी नहीं लेता.
रूबिका प्लीज डोंट ब्लेम विमेन इन विलेजेस फॉर योर चाटुकारिता। देश की महिलाओं के बहुत सारे सवाल हो सकते हैं पीएम मोदी से, आप थकते क्यों नहीं है, मस्ट बी रियली लो ऑन देयर प्रायोरिटी। ये सवाल मैं कह रही हूँ आपसे, मैं दोबारा पूछूंगी। दोबारा पूछूंगी यार रूबिका, अब तो मोदी जी भी इवॉल्व हो गए हैं, तुम अपनी चाटुकारिता को भी थोड़ा इवॉल्व करो वक्त के साथ, बदलो थोड़ा। उनका लेटेस्ट इंटरव्यू नहीं देखा तुमने एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर के साथ? सोने के लिए थोड़ा मुझे समय देना चाहिए, वो मैं दे नहीं पा रहा हूँ। सुना रूबिका, अब दोबारा ये मत पूछना कि आप थकते क्यों नहीं मोदी जी, अब पूछना आप कितने घंटे सोए मोदी जी। एंड चौरसिया, यू कैन आस्क मोदी जी आप रजाई में खोल लगा के सोते हैं नहीं। एंड RSS, आई हैव द बेस्ट क्वेश्चन फॉर यू, सो मच सोए हैं और कितना सोएंगे? एंड सुधीर, यू कैन स्टिक टू आएंगे तो मोदी ही, सपने में भी। लाइक रूबिका इज प्राउडली प्रोक्लेमिंग, दोबारा पूछूंगी, दीज एंकर्स आर नाउ जस्ट बियॉन्ड एनी शेम एंड दिस इज एग्जैक्टली द एक्सपेक्टेशन दिस गवर्नमेंट हैज फ्रॉम देम। हर रात टीवी न्यूज पर आओ और जय जय मोदी करके चले जाओ, इंटरव्यू मिल जाए तो पीएम के साथ टॉनिक बटवा एलेक्सा प्लीज साजन जी ही घर आए टाइप क्वेश्चंस ही पूछना। हालात ऐसे हो गए हैं कि कितनी भी चाटुकारिता कर लो सरकार के लिए काफी नहीं रहेगा। एक नमूना तो हमने सुधीर में देख ही लिया था। मैं भी पूछ सकती हूँ सुधीर जी, क्या हुआ जब आप जेल में थे? मतलब इवन सुधीर चौधरी इज एक्सपेक्टेड टू डू मोर। बेचारे ने भूले भटके गलती से थोड़ा सा सवाल करने की कोशिश क्या कर ली, उसको चुप करके बिठा दिया, जैसे क्लास में बच्चों को टीचर धुतकार के बिठा देती है। सिली क्वेश्चन, सिट डाउन, दिस इज वेयर वी आर एंड इफ यू डोंट लिव अप टू द स्टैंडर्ड्स दैट दीज गाइज हैव सेट अप, तो EDIT दिल्ली पुलिस तो है ही, मतलब अब सब फुल गोदी बन जाए। जर्नलिज्म के नाम पे हमको फुल टाइम्स नाउ टाइप चाटुकारिता मांगता है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं एक लफ्ज नहीं आपको बोलने दूंगी। एक लफ्ज, हम पूरा शो करेंगे नविका, भेज दो जितने नोटिसेस भेजने हैं। ऑन ट्यूसडे द दिल्ली पुलिस कंडक्टेड रेड्स एट द होम्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट जर्नलिस्ट एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ मीडिया आउटलेट न्यूज क्लिक। द पुलिस ऑल्सो सील्ड न्यूज क्लिक्स ऑफिस। मोर देन 40 जर्नलिस्ट होम्स वर सर्च्ड। Some people were detained by the police for questioning, like Abhisar Sharma, Paranjoy Guha Thakurta, Urmilesh, Anandoy Chakravarti and Bhasha Singh. When Paranjoy came out after being questioned for almost 10 hours, he said he was asked some very, very tough questions by the Delhi police. So I asked that you use signal, I said yes. So I asked that you cover Delhi riot, I said no. आपने किसान आंदोलन कवर किया, बोला हाँ। अलग अलग लोग अलग अलग सवाल उठाया, तो मैंने सारे सवाल का जवाब दिया। बिफोर लीविंग परंजॉय डिसाइडेड कि सरकार की जो जर्नलिस्ट से एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल कर ही देते हैं। और पूछे ना, मोदी जी भगवान का अवतार है, और पूछे ना और सवाल। Now we'll get to the latest case of terror charges against NewsClick editor and founder and NewsClick HR head. But what happened this week isn't just about the top guys at NewsClick. Police questioned young journalists, former employees, people who worked with NewsClick for just 2 years. Some of them have worked almost 3 years ago. And police said, we have questioned 39 male suspects and 9 female suspects. Who are these suspects? Present and former employees of NewsClick and even freelance writers. We spoke to some of them and asked them, ki bhai, police ne aapse poocha kya? They asked me if I wrote anything about Delhi riots. When I said no, they pushed me again, asking me to recall if I had posted anything on Facebook. Their other questions included my views on the current government, if I believed Arvind Kejriwal is better, what my view on the Congress is, etc. करीब 5 साल पहले NewsClick छोड़ चुकी एक महिला पत्रकार के यहाँ भी पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची थी। अधिकारियों ने इनसे पूछा कि साल 2018 में आपके खाते में 94,000 रुपए आए थे, वो कहां से आए? इसके बाद अधिकारियों ने पूछा कि उन्होंने दिल्ली दंगों पर क्या स्टोरी की थी। इसके बाद किसान आंदोलन और कोरोना महामारी के समय की गई रिपोर्टिंग को लेकर भी सवाल किए गए। महिला पत्रकार ने बताया कि पुलिस ने उनका लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर लिया, लेकिन कोई सीजर मेमो नहीं दिया। तो पत्रकारों के साथ ये घटा राजधानी दिल्ली में। आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया और आपका लैपटॉप और फोन सीज कर लिया गया। No proof of wrongdoing and questions like, did you report on the Delhi riots? Did you report on Corona? Well, everyone did report on COVID. But the expectation from journalists during COVID was this.
मैं आपको दिख रहा हूँ सिर्फ मोमबत्ती की रोशनी से। ये भी अपने आप में अद्भुत एक्सपेरिमेंट है हमारी टेक्निकल टीम का, नीरज का, और साथ ही साथ हमारे जो चीफ कैमरामैन है उनका। एक मोमबत्ती की लाइट से आप मुझे देख सकते हैं, ये हमारी विशेष तैयारी थी। थाली बजाओ, दिया जलाओ। जिसने गलती से दिखा दिया कि भाई गंगा में डेड बॉडीज का क्रिमेशन हो रहा है, उसको मिलेगा छापा। और ताली बजाने के लिए गोदी मीडिया वाले तो हैं ही। यूजुअल सस्पेक्ट्स ऑन प्राइम टाइम वर नॉट अलार्म्ड दैट यंग रिपोर्टर्स, फ्रीलांसर्स, एम्प्लॉयज वर क्वेश्चन्ड एंड राउंडेड अप एंड कॉल्ड सस्पेक्ट्स। दे वर एज यूजुअल सेइंग, वाह मोदी जी वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक है, मजा आ गया। अरे भैया, तुमसे डायरेक्ट चीज पूछी जा रही है, जांच चल रही है, सहयोग कर दो, कुछ नहीं मिलेगा तो तुम जैसे आज घर चले गए वैसे आगे भी घर पे रहोगे, घूमोगे फिरोगे, मजा करोगे। मोदी एंगल का है डालना है भाई, सिर्फ कोई पत्रकार इसलिए कुछ भी करेगा क्या इस देश में? जब टाइम्स नाउ के रिपोर्टर को एक रात के लिए जेल में डाला था, तब तो सुशांत, नविका, टाइम्स नाउ वाले बड़े रोए थे, फूट फूट के रोए थे। अरे भाई, वो भी जांच थी, एक दिन लॉकअप में डाला था तो क्या हुआ, इतना ड्रामा क्यों किया? ड्रामा से याद आया, ईडी आपको लगता है ऐसे कम सिखिया लोग हैं कि उनको उनको बस फोन आया होगा, हेलो भाई मोदी बोल रहा हूँ मैं और यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, जाओ और फौरन जो है रेड कर दो। हेलो भाई मोदी बोल रहा हूँ मैं। हेलो रूबिका, इतनी बकवास एक्टिंग तो मैंने एकता कपूर सीरियल में भी नहीं देखी, इसके लिए तुम्हें मिलता है छापा। आई एम टेलिंग यू शी वॉन्ट्स टू फीचर ऑन टीवी न्यूसेंस। इस बार थंबनेल पे तो डाल ही देना रूबिका को। और एकता कपूर की सीरियल्स की बकवास एक्टिंग से याद आया, टू अरेस्ट हैव बीन मेड, द अदर्स हैव बीन अलाउड टू गो होम, व्हाई इज एवरीबॉडी गोइंग ब्लू इन देयर फेस? Why is everyone going blue in the face, Navika? Same reason why you were doing Sasti Nautanki on your show. The very same reason. By the way, we condemned the Punjab police's action on your reporter, even though we called you out on your Sasti Nautanki. Not just news click. Arnab and Co were also celebrating ED action against Sanjay Singh. In fact, not just celebrating, they were wondering, agla number kiska aayega? Jo desh ke bade bade rajnitik jo vishleshak hain, जो अंदाजा लगा रहे हैं वो ये है कि क्या अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का हो सकता है। चलो सुधीर, केजरीवाल का नहीं पता, तुम्हारा नंबर तो बहुत ही पहले आ गया था, यू आर सेफ नाउ। केजरीवाल कब जेल जाएगा, न्यूज लॉन्ड्री का नंबर कब आएगा, आधी जनता अब यही सवाल कर करके खुश होती है। यू नो गवर्नमेंट्स हैव ऑलवेज यूज द पुलिस एंड स्टेट पावर टू गो आफ्टर डिट्रैक्टर्स। व्हाट नेवर हैपेंड डू इज पीपल चीयरिंग फॉर सच एक्शंस। Most of these people are fed on a steady diet of propaganda by prime-time anchors who cheer such actions. On the day when NewsClick was raided, we heard the same messages play out across channels. And most of these channels supported the action. Make no mistake, there is no freedom of expression angle here. There is none. And now, after this, in the whole country, एक वो इकोसिस्टम है जो अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई देने और केंद्र सरकार पर दमन की कार्रवाई का आरोप लगा रहा है। लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला, प्रेस पर हमला, अरे प्रेस या पत्रकारिता चीनी चंदे से देश विरोधी प्रोपेगेंडा चलाना थोड़ी ना होती है, या चीनी चेक लेकर महामारी में चीन का साथ देना थोड़ी ना पत्रकारिता होती है। टुडे यू आर टॉकिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, वेयर वर यू देन लास्ट ईयर मे माय फ्रेंड, यू लॉस्ट योर वॉइस देन and suddenly you've rediscovered your voice? My freedom does not bother you, but other people's freedom bothers you. And we are not going after fellow compatriots in the journalism business. We are only asking fundamental questions about the whataboutery associated with free speech in this country. Itne gambhir aarop hai in logon par is news click, और उसके बाद ये लोग मोदी मोदी करते हैं, पत्रकार 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 की फ्रीडम की बात करते हैं। पहले देश की अखंडता को चोट पहुंचाएंगे, फिर अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति चिल्लाएंगे, देश की संप्रभुता का सौदा करो, फिर मीडिया पर हमला बताओ। But for far too long, this dangerous foreign-funded digital media ecosystem has betrayed the nation. In all this noise, no one is talking about what proof the agencies have of terror activities by NewsClick. कोई टेरर अटैक प्लान किया, किसी बॉम्बिंग से इनका कोई लिंक है? अरे डोंट शो प्रज्ञा'स फेस, या शी इज अ रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ। दीज 39 मेल सस्पेक्ट्स एंड 9 फीमेल सस्पेक्ट्स, वर दे इन्वॉल्व इन सम डेंजरस प्लॉट लाइक द प्लॉट टू किल पीएम? उसका क्या हुआ वैसे अभी तक पता नहीं, कोर्ट में अभी तक तो कुछ प्रूव नहीं हुआ।
And now that we are taking New York Times report so seriously, we should also take the Washington Post piece very seriously that said that evidence was planted on activists who were accused under terror charges in Bhima Koregaon case. Back to NewsClick. What are the charges against them? The whole case started in 2020 with the accusation that NewsClick had flouted FDI norms. Just like we heard of some reports of Adani flouting SEBI norms, but let's not talk about Adani, let's talk about NewsClick. After the accusation that they flouted FDI norms, the ED stepped in to investigate how NewsClick allegedly received illegal money from China, routed through the USA. Then in 2021, ED carried out searches in NewsClick's offices and homes of his editors and reporters. Back then, the Delhi court said that no coercive action should be taken against NewsClick. Matlab jail dal diya, aise cheezein seize kar di, ye sab na ho, investigate kare, lekin koi coercive action nahi hona chahiye NewsClick ke against. Cut to 2023, case ab seedha terror charges ka ban gaya hai. और एक बार UAPA लग जाए तो आप जानते हैं क्या होता है. यू सिट इन जेल वेटिंग फॉर बेल व्हाइल द स्टेट स्लैपडॉग मीडिया डिक्लेयर यू गिल्टी विदाउट एनी ट्रायल ऑन प्राइम टाइम न्यूज. इट्स व्हाट हैपेंड विद सुधा भारद्वाज, विद सिद्दीक कप्पन, विद उमर खालिद, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट विल हैपन विद NewsClick. देर आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू दिस केस दैट एवरीवन सीम्स टू बी टॉकिंग अबाउट. नंबर वन, इज NewsClick एन इंडिपेंडेंट न्यूज ऑर्गेनाइजेशन? दे हैव सेड दे आर. But that is for the public to decide. It's not something the police should get into. And it's certainly not something anyone can go to jail for. Some of the biggest propagandists are free to air as much propaganda as they want on news freely. So, chahe aap independent ho ya nahi, ye public decide karti hai, police nahi. And that's how we'd like to keep it. Number two, who is funding NewsClick? Now, the NYT report says that NewsClick got money from Neville Singham, who's a businessman, he's a billionaire, he's also supposed to be a Chinese Communist Party sympathizer slash propagandist. But NYT has not said ki paisa seedha Chinese Communist Party se Neville ke paas aaya aur phir wahan se seedha NewsClick pe aaya. The ED case initially was that this transaction from Neville's US-based companies to NewsClick's Indian accounts flouted FDI norms. And now, 3 years later, they've suddenly realized that this money was actually given to carry out terror activities in India. Case is of terrorist activities. But what were these terrorist activities? We read the remand application that Delhi Special Cell gave to the court to get 14-day custody of Prabir Purkayas and Amit Chakravarti to question them. The police has got 7 days. But what are the suspicions Delhi police has on the basis of which the case has now moved on from FDI violation to terror? Suspicion number one, attack on Indian sovereignty. The police has said that Neville Roy Singham, Prabir Purkayast and Amit Chakravarti are in direct touch with each other, wherein they were found to be discussing how to create a map of India without Kashmir and to show Arunachal Pradesh as a disputed area. So these three people were apparently discussing how to make a map of India where we won't show Kashmir and show Arunachal Pradesh as a disputed territory. This is the allegation that they hatched this conspiracy on how to make a map, and they did this because see that Chinese Communist Party inko karodon de rahi hai. China must be really silly yaar. To dikhane se kya ho jayega, tumhara ho jayega kya? Apne yahan logon ko bacha nahi pa rahe, inko Arunachal chahiye. Bak. Aise thoda hota hai yaar ki map banaya aur hamara ho gaya. Bak. Suspicion number two. The remand report says that it was learnt that Gautam Navlakha is associated with Prabir Purkayast since 1991. Ye Gautam Navlakha kaun hai? He is accused in another terror case, the famous Bhima Koregaon case where evidence was planted, that one. Gautam Navlakha has been allowed to stay in house arrest instead of jail on health conditions. And so far, he's not been proven guilty. But Prabir Purkayast has been friends with him since 1991. China was working on this plot for so long. Gang of anti-nationals, I tell you. Suspicion number three, the accused made attempts to discredit the government's COVID management. A false narrative has been propagated to discredit the efforts of the Indian government to contain COVID-19 pandemic. Thali nahi bajai, very bad. You get a chapa for it. Bada farmers protest pe reporting ho rahi thi. You get a chapa for it. And all this was happening because China paid money to NewsClick.
So not only is China taking our land at the border, it's also funding terrorists in India. मतलब चाइना बॉर्डर पे ही नहीं घर में घुस के पत्रकारों को पैसा देके एंटी इंडियन कवरेज करा रहा है. वेयर इज जयशंकर's लाल आंख व्हेन यू नीड इट. एंड मोदी जी इनाफ झूला झूलोइंग विद जी. चाइना इज डायरेक्टली स्पॉन्सरिंग टेरर इन इंडिया. वी वॉन्ट नथिंग बट 56 इंच छाती ट्रीटमेंट फॉर शी. रिटर्न ऑल द PM केयर फंड मनी यू गॉट फ्रॉम चाइनीज कंपनी. मुंह पे मारो इनके. एंड व्हेन विल वी टेक दिस अप एट द UN मीट नेक्स्ट टाइम. Canada is accusing us of killing Nijjar without zero proof, without any proof at all. We have so much proof against China for spreading terror in India. We've been investigating this since 2020. Uske baad Modi ji BRICS mein Xi se mil rahe hain with a country that's spreading terror in India through Singham and NewsClick. Why on earth are we not breaking all ties with China? Trade hamara bada ja raha hai inke saath. Unless the real problem is what Arnab said. That there is something very sinister, there is something very opaque about the funding of these so-called digital news sites. Yaar Arnab, chilla chilla ke sari scheme bata di. The real problem is these digital news organizations. कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि NewsClick का नाम लेके सबको शक के घेरे में डाला जा रहा है. ये डिजिटल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे रिपोर्ट कर रही हैं, कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं विदाउट डूइंग वाह मोदी जी वाह. और ये न्यूज लॉन्ड्री वाले एग्जिस्टिंग विदाउट एनी गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग, इज इट इवन पॉसिबल? जरूर कुछ गड़बड़ है. मतलब ये ना ऐड लेते हैं, ना मोदी भक्ति करते हैं, ना योगी से ऐड लेते हैं, ना भूपेश बघेल से ऐड लेते हैं. ऐसे कैसे? कुछ तो गड़बड़ है. यू गेट अ छापा. That's all the nuisance we have for you this week. We'll be back next week. Until then, stay mad. That's the only way. We've done a lot of reporting on the whole NewsClick case. I urge you to read our reports on newslaundry.com and watch our videos on this case. Don't make up your mind by watching primetime news. Read authentic reporting on this case to understand what's happening. Please log on to newslaundry.com and check that out. We also have a very detailed report from Manipur on injuries caused due to pellet guns. That's a very important report by Prateek, so do read that too. And of course, subscribe to newslaundry.com. If you like our work, if you support what we do, if you like shows like Nuisance and Tippany and our interviews, and if you want to power our ground reporting, there's no better way to do it than to subscribe to newslaundry.com.